दुखदाई खबर है कि नकी रहे मशहूर गायिका लता मंगेशकर 92 साल की उम्र आखिरी साल है ने लंबे समय तो बीमार चल रहे सन। लता मंगेशकर मुंबई के ब्रिज कैंडी हस्पताल दे विच इलाज चल रहा सी, काफी दिनों तो बीमार चल रहे सन, कई दिनों तो हस्पताल दे विच भर्ती सन ते अज आखिरी साह उन्होंने ले ने 92 साल की उम्र आखिरी साह ले ने। सो वड्डा घाटा जिहड़ा कदे पूरा नहीं किया जा सकता, एक वड्डा घाटा इंडस्ट्री नूं पिया। उन्होंने चाहवान जिहड़े प्रशंसक सन उन्होंने काफी सदमा पहुंचे। मशहूर गायिका लता मंगेशकर अज साडे विचकार नकी है। मुंबई के ब्रिज कैंडी हस्पताल दे विच इलाज चल रहा है, काफी दिनों तो बीमार चल रहे सन। भारत रत्न 92 साल लता मंगेशकर की हालत काफी नाजुक बनी हुई सी। पिछले 27 दिनों तो मुंबई के ब्रिज कैंडी हस्पताल दे विच भर्ती सन। हाल ही दे विच उन्होंने वेंटिलेटर सपोर्ट तो हटा दिता गया सी, पर जो खबर बाद विच आई कि लता मंगेशकर की सेहत खराब होने ते दोबारा उन्होंने दिस मॉर्निंग एट 8:12 मिनट्स died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं, उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस। भारतीय सिनेमा के महान प्लेबैक गायिका दे विचो एक लता मंगेशकर ने 1942 दे विच 13 साल की उम्र दे विच अपने करियर की शुरुआत की सी। वक् वक् भारतीय भाषावां दे विच 30,000 तो वध गाने इन्हां दे वल्लों गाए गए सन। 7 दहाकियां तो वध अपने करियर दे विच लता मंगेशकर ने कई सुपरहिट गाने दिते। उन्हां दी आवाज़ ही उन्हां दी पहचान सी, हर कोई उन्होंने नम अखा दे नाल याद कर रहे। लता मंगेशकर आज साडे विचकार नहीं है। हंसराज हंस साडे नाल इस समय फोनलाइन ते मौजूद ने। हंसराज जी पहला तो स्वागत करते हैं, और एक बड़ी दुखदाई घटना जड़ी आज सवेरे मिली है, लता मंगेशकर जी हुण साडे विचाले नहीं हैं। हाँ जी, बहुत ही तकलीफ दे है, बहुत सदमे वाली खबर है। इंडिया तो सब तो महंगी चीज, सब तो अजीम हस्ती नु छीन लिया मौत ने, बहुत तकलीफ दे। स्वर्ग की देवी साढ़े तो चले गए, बहुत दिनों तो असी दुआ कर रहे सी, प्रे कर रहे सी मालिक उन्होंने तंदुरुस्ती नाल ठीक होके घर जान वापस, क्योंकि साढ़े कोल पूरे भारत को अगर सब तो कोई प्राइसलेस, सब तो कोई अजीम, सब तो कोई महान हस्ती सी तो लता जी। बाकी आवाज जिहड़ी आवाज ही एक पहचान सी, उस आवाज नूं हुण लोक तरसणगे, क्योंकि इहो जी आवाज बेकमाल आवाज अज तक ना सुनी है, ना ही हुण अगे कोई देखण नूं मिल रही है। पर कह रहे ने कि एक सदी दा जिहड़ा अंत हो चुका है, बहुत वड्डा घाटा है हंसराज जी। हाँ जी, इस तो वड्डा घाटा की हो सकता जी, उन्हां दा कोई अल्टरनेटिव नहीं, उन्हां वर्गा होर कोई नहीं हो सकता। कमाल कमाल मालिक ने जिवें पूरी दुनिया नूं एक अजीम गिफ्ट नाल नवाजिया सी स्वर दी देवी, उन्हां दी पूजा उन्हां दी आराधना करके थोड़ा बहुत असीं लोग सब लोग सुर दा सफर तय करदे सां। वाकई दुआवां मंग रहे सी फैंस की शायद कोई करिश्मा हो जाए, वापसी हो जाए, पर एकदम ही ये वड्डा जड़ा सदमा है वो लगा है फिल्म इंडस्ट्री नूं, वाकई घाटा पूरा नहीं हो सकता। तुसी दो शब्द जेकर कहना चाहोगे तो की कहोगे लता जी दे लई? मैं यही कहूंगा कि मौत एक ऐसी बेरहम हादसा है, क्योंकि मालिक का हुक्म है, रब का हुक्म है। ये वली पीर पैगंबरां
बड़े बड़े गुरु पीरां नूं भी इस इहदा जायका चखना पिया, लेकिन मैं उन्हां नूं इस हवाले नाल भी याद करदा कि उन्हां दे जन्मदिन ते उन्हां ने मैनूं बुलाया सी। मैं स्पैशली लंडन तो आया सा, मैनूं याद आ रहा लम्हे जी। सामने तिन्ने भैणां बैठियां सन, लता जी, आशा जी, उषा जी, लता जी, आशा भोंसले जी भी सगे, पूरी फिल्म इंडस्ट्री सी। और मैं उन्हां दा ही गाया होया गीत गाया सी और बड़ा प्यार मिलदा सी। एक मैनूं उन्हां ने परसनली गिफ्ट किया सी, वो मेरे को दुनिया भर के अवार्ड एक बने, एक वो एक बने, एक कैसेट है उन्होंने उस्ताद सलामत अली खान साहब के नाल गाया सी, वो रिलीज नहीं हो सकया, लेकिन वो मेरे को है क्लासिकल दी रिकॉर्डिंग, बस याद ही बन के रह गए जी। बिल्कुल हंसराज जी, वाकई घाटा पूरा नहीं हो सकता। गलबात करने लिए धन्यवाद करना चाहवांगे।